This is Dr. Diya from New York Street, and today we'll discuss about a topic that is very common nowadays, that is hyperacidity, commonly known as acidity also, और इसको हम आयुर्वेद में अम्लपित्त के नाम से जानते हैं. आइए जानते हैं ये किस कारण की वजह से होता है. जब भी हम खाना खाते हैं और उस खाने का अच्छी तरीके से पाक नहीं होता या वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो हमें इनडाइजेशन की समस्या देता है और जिसकी वजह से ही हमें एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है. आइए जानते हैं ये किस कारणों की वजह से होता है. पहला, ओवर ईटिंग. अगर हम बार बार ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, उसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है. दूसरा, अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ जंक फूड का कंजम्पशन करते हैं, ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी की समस्या होती है. तीसरा, जब हम ज़्यादा अमाउंट में ऑयली या स्पाइसी फूड का कंजम्पशन करते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी का इशू होता है. चौथा, अगर हम खाने के बाद तुरंत बाद ही पानी पी लेते हैं या खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से भी इंडाइजेशन की समस्या होती है, जिसके कारण वर्ष ही हमें एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है. और आखिरी, हमें हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल हमारे फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है. हमारा समय पर ना सोना ना उठना, इसकी वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है. आइए जानते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स. इसका पहला सिम्टम है कि आपको खट्टी डकारें आएंगी, या फिर आपका मुंह कड़वा सा यानी कि बिटरनेस आपके माउथ में रह सकती है. दूसरा, आपको हार्ट बर्न या फिर थ्रोट बर्न की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें आपको आपके चेस्ट रीजन में या फिर थ्रोट रीजन में जलन जैसा यानी कि बर्निंग सेंसेशन जैसी फील हो सकती है. तीसरा है गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, जिसमें आपको अपने गैस्ट्रिक रीजन में थोड़ा डिस्कम्फर्ट जैसा लग सकता है. चौथा है इनडाइजेशन. जो भी आप खाना खाएंगे, आपको वो अच्छी तरीके से उसका पाचन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है. आपको इसमें उल्टी जैसा भी फील हो सकता है, और हो सकता है आपको उल्टी जैसा फील ना होकर के आपको उल्टी आ भी सकती है. और आपको एसिडिटी में रिलीफ तभी मिलेगा जब आप वॉमिट कर दें. इसके अलावा आपको लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि खाना खाने का मन ना हो, ऐसा भी लग सकता है. इंडाइजेशन की वजह से आपको बार बार स्टूल पास करने की अर्ज हो सकती है, या फिर डायरिया भी हो सकता है. आइए जानते हैं एसिडिटी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. पहला है खाना. खाना समय पर खाना खाइए, ओवर ईटिंग ना करिए, तले भुने खाने और मिर्च मसाले वाले खानों से दूर रहिए, कच्चा खाना ना खाएं, अपनी फूड हैबिट्स को सुधारें. और दूसरा है, किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे आप सुबह उठकर 15 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या फिर योगा या प्राणायाम करें. प्राणायाम में शीतली प्राणायाम एसिडिटी के इशू को काफ़ी दूर रखता है, और यह काफ़ी लाभकारी है. और सबसे महत्वपूर्ण बात, फूड हमेशा लाइट खाएं, यानी कि हल्का भोजन ही खाएं. इस समस्या में खाना हमेशा हल्का लें, नियमित समय पर लें, और अपने दिनचर्या को सुधारें. एसिडिटी से जुड़ी समस्याओं के परामर्श के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद.